हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। आई एम गुरप्रीत सिंह वालिया। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रहे थे, रही थी आदि होते हैं। ध्यान रखने की बात है कि समय के साथ, समय जरूर दिया गया होगा उसमें। और इसकी मेथोडोलॉजी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होगा हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, देन ING होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद समय दिया होगा सेंस और फॉर प्लस टाइम। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन होगा, नॉट लगा होगा, हैड नॉट बीन, नॉट हैड और बीन के बीच में आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, देन सेंस और फॉर, देन टाइम। यदि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे हैड आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस और फॉर लगा हुआ, देन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। अब इसे आगे देखते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे सेंस होगा वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ होगा। फॉर के लिए पीरियड दिया होगा, समय दिया होगा, इस समय से, बचपन से, कई सालों से। और सेंस कहाँ यूज़ करना है? पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, 1990 से, शाम 5 बजे से, सुबह 6 बजे से आदि। लेट्स स्टार्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। मोहन हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना, 2 घंटे से पीरियड दिया है। ये नहीं बताया कि सुबह के, शाम के, कब के हैं। रमा सोमवार से पुस्तक पढ़ रही थी। रमा हैड बिन राइट लिख रही थी सॉरी रमा हैड बिन राइटिंग ए बुक सिंस मंडे, क्योंकि उसने बताया कि सोमवार से, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ सोमवार। हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे कब के हैं? सुबह के, शाम के, ये कुछ नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया है। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। रमा हैड नॉट बीन राइटिंग ए बुक सिंस मंडे। वी हैड नॉट बीन राइटिंग वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, हैड मोहन बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? Had Rama been waiting, writing a book since Monday? Had the teachers been teaching since Monday or since morning? दोस्तों, इसकी और कहाँ यूसेज होती है? किसी ऐसे कार्य के वक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल के किसी निश्चित समय से पहले हुआ था, उस समय चल रहा था तथा समाप्त नहीं हुआ था। He had been reading a book for 5 years. I had been reading in the schools for 3 years. Mohan had been playing football for 2 hours. दोस्तों, दूसरी कहाँ यूज कर सकते थे? जब वाक्य के एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, हो तो सिंस और फॉर और टाइम के साथ। जैसे इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन यू केम। Some had been knocking at the door for 5 minutes when I went to open it. दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।